एवरीवन, कैसे हैं सब। जैसे कि आप सबको पता है, आज एसबीआई क्लर्क हमारा स्टार्ट हुआ है और उसकी एक शिफ्ट ख़त्म हो गई, एक पूरा दिन ख़त्म हो गया है। मैंने कोशिश की थी कि सुबह जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसका एनालिसिस मैं आपको लोगों को डाल दूं कि आपको एक आइडिया रहे कि बाकी की तीन शिफ्ट किस तरह से आएगी। और काफ़ी सारी शिफ्ट में काफ़ी चेंजेस ज़्यादातर देखने को नहीं मिले। एक ओवरऑल अभी पूरी बात कर लेंगे कि पेपर का लेवल क्या था और किन्होंने आज कितना किया और जिनका कल है उन्हें एक हेल्प हो जाएगी इसके बाद कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उस पर हम पूरी डिटेल डिस्कशन करते हैं अभी इस वीडियो में और मैं आपको बता दूंगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट हम आज का अपना लेक्चर, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स डे वन कंप्लीट एनालिसिस। मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ और गुड अटेम्प्ट बता दूंगा हर एक सेक्शन का जो आप करके आए, और एक ओवरऑल आइडिया आपको दे दूंगा। और कल के लिए जिन लोगों का स्पेशली कल पेपर है उनको एक जो लास्ट में मैं चीज़ बताऊंगा उस पर ध्यान से इसको करना, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो अब हम बात करते हैं आज जो पहली सेक्शन आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पे देखी वो थी इंग्लिश सेक्शन। हम काफ़ी सारे लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है, चार शिफ्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग हो चुके हैं जिन्होंने पेपर दे दिया है। इंग्लिश सेक्शन जो थी वो हमारी इजी टू मॉडरेट थी। मॉडरेट में उन लोगों के लिए कह रहा हूँ क्योंकि कई कई शिफ्ट में मुझे ये सुनने को भी मिला कि जो इंग्लिश का लेवल था वो काफ़ी बाकी शिफ्टों से थोड़ा सा अलग था। बिल्कुल देख के ही आंसर पता नहीं चल रहे थे। पैटर्न जो था पेपर का वो फिक्स रहा, हर एक शिफ्ट में सेम चीज़ें आई। रीडिंग कम्प्रिहेंशन आया लगभग 8 नंबर का, आपको एरर के क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आए जो इजी थे। कई शिफ्ट में ये थोड़े से टफ थे। सिंगल फिलर्स आए, इसको इजी कहा सबने मेरे को। और इसके साथ साथ बाकी सेंटेंस रीअरेंजमेंट वो सारी चीज़ें नॉर्मल थी। बात करते हैं इस सेक्शन में आज की शिफ्ट के बाद पूरे दिन के बाद सेफ अटेम्प्ट क्या रहा। इस सेक्शन का सेफ अटेम्प्ट है 20 to 25 विथ एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अटेम्प्ट करने वाले 30 भी करके आए हैं पेपर में। 30 करना इंग्लिश में ठीक रहता है क्योंकि 20 मिनट आपके पास टाइम था। 20 मिनट में आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं पूरी सेक्शन, लेकिन जिन लोगों ने एक्यूरेसी मेंटेन की है, अटेम्प्टेशन और मार्क्स में हमेशा मैंने स्टार्टिंग से एक चीज़ बोली है, फ़र्क रहता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके 20 से 25 मार्क्स तक इस सेक्शन में आ जाएंगे तो वो बहुत अच्छा आपका स्कोर माना जाएगा इंग्लिश सेक्शन में। क्योंकि अभी रिसेंटली जो दो एग्ज़ाम हुए हैं, FCI का हुआ है, JK बैंक का हुआ है जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिया, FCI ऑल ओवर इंडिया हुआ, पेपर का पैटर्न उसी से मिलता जुलता था, उसी की तरह था। ज़्यादा कोई बड़ी इसमें चेंजेस नहीं देखने को मिले, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कई शिफ्टों में थोड़ा सा लेवल बढ़ा के उन्होंने मॉडरेट तक कर दिया था। लेकिन मेजॉरिटी पेपर जो था वो इजी था। 20 से 25 अगर इसमें अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तो आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। बात करते हैं हम अब दूसरी सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन जो पेपर में आई वो रीजनिंग सेक्शन हम इसको कंसीडर करेंगे सेम इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट सिर्फ एक पजल की वजह से मैं कहूँगा। पेपर में आपको पता है क्या क्या आया है, कई शिफ्टों में 3 पजल्स थी, कईयों में 4 पजल थी, लेकिन इतना ज़्यादा फर्क नहीं था। जो पजल्स आई हैं उनका लेवल ईजी था सिवाय एक पजल के। कहीं एक पजल ऐसी थी जिसमें आपको सोचना पड़ रहा था जो ट्रिकी थी, या फिर जिसमें कह सकता हूँ कि लोग फंसे हैं काफ़ी ज़्यादा। एग्जामिनर का मेन मोटिव यही रहता है कि बच्चे जो पेपर अटेम्प्ट करें तो फंसे और टाइम वेस्ट करें, इसी वजह से कट जो कम जाता है। लेकिन ओवरऑल सेक्शन काफ़ी इजी थी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों ने देखी है किस तरह से उसकी ट्रिक्स वगैरह वो सब आपको पता है किस तरह से करना। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में 5 मार्क्स आराम से आते हैं। इनइक्वालिटी आई पेपर में, सिलॉगिज्म के क्वेश्चन आए हैं ओनली के केसेस वाले। ओनली में आपको बता दूँ, ओनली के केसेस में मतलब होता है सम, तो कन्फ्यूजन सारी आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ज़्यादा वहाँ पे मत, ओनली फ्यू के केसेस में सॉरी। तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं बच्चे कि सम नॉट होता है सम होता है, तो ये सारी चीज़ें अलग हैं। मैंने कोशिश की थी कि वीडियो बनाऊँ लेकिन अपलोड नहीं कर पाया, वीडियो मैंने बना दी थी। लेकिन आपको बता दूँ सिंपल सा कंसेप्ट है, उसमें कन्फ्यूज़ मत होए। पेपर करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है, पहले सारा पेपर अटेम्प्ट कर ले उसके बाद पजल्स पे जाएँ, और कोशिश करें कि अगर 3 आ रही हैं तो 2 तक पजल बन जाए। क्योंकि बहुत बेसिक लेवल की पजल्स आ रही हैं, सिंगल पैरामीटर की पजल्स आ रही हैं, 1 से 1.5 मिनट लगता है मैक्सिमम। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पेपर में इस सेक्शन को रिपजल्स को करने के लिए 2 से 3 मिनट दे दें। 3 से भी मैं आपको कहूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि आप 4 मिनट दे दें, लेकिन पजल जो अटेम्प्ट करें वो कोशिश करें कि आपकी सॉल्व हो पेपर में। ओवरऑल अटेम्प्ट इस सेक्शन का मैं बता रहा हूँ 23 से लेके 26 तक जो करके आए हैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट कंसीडर किया जाएगा इसको 23 से 26 तक। कई सारे लोग हैं जो 30 प्लस करके आए हैं पेपर में, वो तो
आप ये मान के चले कि ये जो 30+ वाले हैं उनका रीजन, अगर इंग्लिश और कॉन्ट थोड़ा अच्छा नहीं भी जाता है तो ये आपका वो कवर करवा देगा। SBI में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है, SBI में ओवरऑल कट ऑफ होता है, तो ये आपको एडवांटेज देगा 30+ मार्क्स। लेकिन जो लोग 23 से 26 करके आए हैं इस रेंज में, बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। इतना अटेम्प्ट आसानी से हो भी जाता था, 20 तक अटेम्प्ट आसानी से हर कोई करके आ सकता था जो पेपर में नहीं फंसा। अगर आपने इससे इम्प्रूवमेंट दिखाई है, 23 से 26 में आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा अगर आप 23 से 26 करके आए हैं। और अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो वो 30+ तक आप में बाकी दो सेक्शंस का कवर कर देगा। तो ये एक जनरल मैं आपको बता रहा हूँ कि रीजनिंग सेक्शन का ये रहा। बात करते हैं अब हम अपनी तीसरी सेक्शन की, जो था हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको बताऊँ, पेपर में जो चीज़ें आई हैं मुझे इसका मिला जुला रिस्पॉन्स मिला है। जैसे रीजनिंग का सब शिफ्ट का सेम सुनने में आया, लेकिन इसका जो था वो ये था कि कुछ चीज़ें कैलकुलेटिव थी। कैलकुलेटिव का मतलब ये नहीं है कि आपका पेपर काफ़ी लेंथी आया है, पेपर इजी आया है। जो DII है वो बहुत इजी है। आपको बताऊं कि न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं आती थी, इस बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी बेसिक आई है। 5 क्वेश्चंस हैं, 2-2.5 मिनट में मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, सबकी हो जाती है, इस तरह का आया है। DII 5 मार्क्स की ईजी है बहुत। आपको बता दूं कि DII में एक आधा क्वेश्चन आपको लगता है टाइम कंज्यूमिंग है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 भी अगर DII में अटेम्प्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। आपको बस ये देखना है कि आप किसी भी क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट मत करें। कोई अगर आपको लगता है क्वेश्चन थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करेगा उसको स्किप कर दे, बेशक वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्यों ना हो। अप्रोक्सीमेशन या सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो वो 10 आई हैं, 10 मार्क्स, यानी कि हर कोई लेके आएगा। इस लेवल की आई है, ज़्यादा लेवल नहीं गया DII का या नंबर। और इसके साथ साथ जो नंबर सीरीज आई है उसमें कई लोग कह रहे थे कि काफ़ी इजी थी, कईयों ने कहा कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो यार वो अब डिपेंड करता है आपकी अपनी प्रैक्टिस पे। कई लोगों की प्रैक्टिस इस लेवल की थी कि वो टफ वाला पार्ट भी इजी से कर जाते हैं, और कईयों के लिए प्रैक्टिस इस तरह की होती है कि वो इजी वाले को भी थोड़ा सा टाइम लगाते हैं। तो नंबर सीरीज का मैं बता दूं, हमने 3-4 लेक्चर्स उसके किए हैं, जो पढ़ते आ रहे हैं वो सब करके आए हैं 5 में से 5। अगर आपने 3 भी किए हैं, आपको नंबर सीरीज करने का सिंपल सा तरीका बता दूं, जो भी सीरीज़ आपसे आपको लग रहा है कि एक बार में बन रही है उसको अटेम्प्ट करें। जो लग रहा है एक बार में आपको स्ट्राइक नहीं की उसको मार्क फॉर रिव्यू करें, कि अगर बाद में पेपर में आपके पास टाइम है तो आप उस पर तब अटेम्प्ट करें। तो पेपर मिला जुला कर 10 मार्क्स की मिक्सलेनियस आई है, 10 के 10 मैंने आपको बोला है कि कभी भी नहीं करने। कोशिश रखनी है कि हमेशा 2 से 3 भी अटेम्प्ट हो जाए, बहुत है। बात करते हैं कौन सेक्शन की। कौन सेक्शन में अगर हम देखें, DII 5, नंबर सीरीज 5, अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन 10 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी 5, ये सीधा सीधा 20 नंबर आपको यहाँ से मिल रहे हैं। इस 20 में अगर आपको 18 भी होते हैं तो आप कोशिश करें मिसलेनियस का एजेस, एवरेज, रेशो, प्रोपोर्शन, जो इजी टॉपिक है उनके पेपर में अटेम्प्ट हो जाए। इस सेक्शन का अटेम्प्ट मैं अगर बताऊं, कई लोगों को ध्यान में रख के कि उन्होंने कहा कि हमारी शिफ्ट थोड़ी सी टफ थी, और कई लोगों की शिफ्ट काफ़ी आसान थी। सेकेंड शिफ्ट मैंने फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू डाला, मैंने आपको बताया सेकेंड शिफ्ट में लेकिन अटेम्प्टेशन लोगों की बहुत एकदम से बढ़ गई। जहाँ मैं फर्स्ट शिफ्ट में अटेम्प्टेशन सुन रहा था 80 के करीब करीब, वहीं वो बढ़ के 90 तक पहुँच गई सेकेंड शिफ्ट में। तो इसकी टेंशन ना लो, नॉर्मलाइजेशन होगा। तो ये तो थी हमारी बात, जिनका आज पेपर हुआ है उनको मैं बता दूं कि ओवरऑल क्या रहेगा, और मैं जिनका कल का पेपर है उनको भी बता दूं। इस पेपर में ओवरऑल जो गया हमारा सेफ अटेम्प्ट, वो आप मान के चलो कि अगर आपने अटेम्प्ट किया है 70 to 75, अगर आप अपने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप बिना सोचे समझे मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। अगर आपका अटेम्प्ट 75+ है तो बहुत अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा इस पेपर में। 25 मैंने आपको बोला रीजनिंग में, 25 ही मैंने आपको बोला इंग्लिश में, और 20 से 22 मैंने आपको बोला है क्वांट में। अगर इतने मार्क्स एक्सपेक्ट करते हो तो आराम से ये कर दें। कल की शिफ्ट के बाद मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा वैकेंसीज को ध्यान में रख के, लास्ट ईयर के कट ऑफ को ध्यान में रख के, कि किस किस स्टेट का कितना कट ऑफ जा सकता है। तो कश्मीर और लेह लद्दाख में तो स्पेशल रिक्रूटमेंट है उनका, वैसे भी अगर ये 75 जा रहा है, जम्मू का इतना जाएगा, तो बाकी वो मान के चले कि उनका 60 तक अगर वो अटेम्प्ट करके आए तो बहुत है, क्योंकि 1:10 की रेशो में बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे जितनी वैकेंसीज है आपकी स्टेट में। तो उसमें आने के लिए इतने मार्क्स की ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये सोचें कि 90 कोई करके आए, 96 करके आए, तो बच्चे एक सीट के लिए 10 के रेशो में शॉर्टलिस्ट होंगे, तो उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब जो जो जिन लोगों का कल पेपर है उनके लिए एक लास्ट मिनट, देखें आज जो पेपर आया है वो
इजी टू मॉडरेट है, इजी मैं ज़्यादा कहूँगा, मॉडरेट मैं थोड़ा सा कम कहूँगा। मॉडरेट कुछ क्वेश्चंस थे, अगर आप मान लें 100 मार्क्स का पेपर है तो 80 क्वेश्चन ऐसे थे जो इजी थे, और 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। लेकिन कल जिनका पेपर है उनको मैं एक चीज़ बता दूँ ध्यान से, आप इसको ध्यान से सुनना, जिनका कल पेपर है, कल का पेपर का लेवल जो होगा, अगर आज इसकी रेशियो आप बोलेंगे 80-20 था, 80% वो, तो कल आप मान के चल सकते हैं कि ये 70-30 हो सकता है। मॉडरेट का पार्ट थोड़ा सा बढ़ सकता है। पेपर में आप ये मत देखना कि आज लोगों ने 90+ अटेम्प्ट किए हैं, 95+ अटेम्प्ट किए हैं, तो हमारे ही फ्रेंड्स हैं जो इतने करके आए हैं, कल हमारी शिफ्ट में हमसे पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ। तो आपको बता दूं कि इंग्लिश रीजनिंग क्वांट का पेपर का लेवल कल थोड़ा सा बढ़ेगा, ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जो हर बार फॉलो होता है। तो अपने दिमाग में ये मत रखना कि उन्होंने 90+ किए हैं, हमारे 70+ ही हो रहे हैं, 75, 70, 75 तक पहुंच रहे हैं, हम तो बाहर हो गए हैं। तो तुक्के मार देते हैं, गैस वर्क कर देते हैं कि बाकी मार कर देते हैं, टेम्पटेशन बढ़ा देते हैं। आपको मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, ये हुई है चीज़। IBPS क्लर्क का पेपर था मेरा 2016 में, 17 में। तो इसमें पेपर में क्या हुआ था, इस पेपर को जो था, मैंने, मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी, जैसे आपको मैंने बताया आज मैं अटेम्प्ट करके आया था पेपर में 87, और मेरी फ्रेंड की शिफ्ट थी लास्ट, लास्ट डे लास्ट शिफ्ट थी, तो उसने अटेम्प्ट किए थे पेपर में सिर्फ 80 क्वेश्चंस। तो उसको वो, अभी हमारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सेम चलती थी, तो उसको भी ये था कि हाँ उसका पेपर ख़राब हुआ है, लेकिन उसने एक्यूरेसी मेंटेन रखी। जब रिजल्ट आया, जब स्कोर कार्ड आया, मेरा स्कोर कार्ड था 84 और उसके मार्क्स थे 86। तो ये आपको मैं एक छोटी सी चीज़ बता रहा हूँ, जो नॉर्मलाइजेशन होती है वो कब होती है, जब पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ जाता है। तो आपको क्या मेंटेन करना है, आपको पेपर में मेंटेन करनी है अपनी एक्यूरेसी, सिर्फ आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है कल के पेपर में। पेपर में बेशक आपका अटेम्प्ट 60 क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करना कि 60 हो। और अभी हमारे पास रिसेंट एक एग्जाम्पल है नॉर्मलाइजेशन की ही, जो अभी जेके बैंक PO का एग्ज़ाम हुआ, उसमें थर्ड शिफ्ट टफ आई, जो हम लोगों की मॉक टेस्ट सीरीज थी, उसमें जो हमारे टॉपर थे उन्होंने मुझे कहा कि उनके अटैम्प्ट सिर्फ 60 हो पाए हैं। मैंने अपने अटैम्प्ट बताए जब उन्हें 85, तो मुझे खुद थोड़ा सी हैरानी आई कि इतना इतना डिफरेंस कैसे हो गया। लेकिन जब स्कोर कार्ड आया, मेरे स्कोर आए 73 और उनका स्कोर आए 73.5, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन किस तरह से काम करती है। पेपर की शिफ्ट टफ आने का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर हो गए, इनफैक्ट वो एक एडवांटेज की तरह आपका हेल्प करती है। अगर पेपर टफ आ गया आपका, एक्यूरेसी मेंटेन रखें, मार्क्स आपको मिल जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन IBPS बहुत अच्छे तरीके से कराती है। तो कल जिन लोगों का पेपर है उनके लिए ऑल द बेस्ट। कल मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ कितना गया है, सारी शिफ्ट खत्म होने के बाद कितना कितना जा सकता है हर एक स्टेट का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके गाइस, अच्छे से करना पेपर, और कल मिलते हैं वीडियो के एंड में, दिन के एंड में, कि क्या है, तो कल बात करते हैं हम। ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से करना।